मध्य प्रदेश के जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट पर लात घूंसे चलने का वीडियो सामने आया है, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस की पीआर एजेंसी के कर्मचारी और बीजेपी नेता आपस में झगड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें, शुक्रवार को जबलपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए नई उड़ानों की शुरुआत हुई है। उड़ानों की शुरुआत होने के बीच डुमना एयरपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मीडिया के साथ साथ बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। लेकिन जब बीजेपी के नगर अध्यक्ष जेएस ठाकुर और नगर उपाध्यक्ष जय सचदेवा वहां पहुंचे, तब एयरपोर्ट पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, बैठने के लिए कुर्सियों का प्रबंध नहीं था। इसके बाद बीजेपी नेता और इंडिगो एयरलाइंस की पीआर एजेंसी के कर्मचारियों के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। जल्द ही यह विवाद बढ़ता गया और लात घूंसों की बरसात शुरू हो गई। लात घूंसों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई उड़ान सेवाओं का शुभारंभ किया। वर्चुअल समारोह से जुड़े सीएम ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से जबलपुर एयरपोर्ट का नाम बदलने की अपील की है। एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जाता है तो यह जनभावनाओं का आदर होगा। ये नई उड़ानें सिंधिया की दी हुई सौगात है, जो बुधवार से शुरू हुई है।